हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरू फूड ब्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज ब्रेड रोल। ये मेरी डॉटर के फेवरेट है। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, मसालों में हमें चाहिएगा सिर्फ नमक, मिर्च और चाट मसाला। ये हमने लिए हैं 4 बड़े आलू उबले हुए, और जिनको हमने छील कर ये आलू मैशर की हेल्प से मैश कर लिया है। और हमें चाहिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, आधी बारीक कटी हुई गाजर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पालक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज़। सबसे पहले हम उबले हुए आलू में अपनी सब कटी हुई सब्जियां मिलाएंगे और मसाले इसी के अंदर हम मिला के मिक्सचर को ब्रेड में भरने के लिए तैयार करेंगे। केवल हमें इसके अंदर चीज़ नहीं डालना है, बाकी हमने प्याज, पालक, गाजर और धनिया सभी सब्जियां डाल दी हैं। फ्रेंड्स, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी और सब्जी डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक, आधा स्पून मिर्च और आधा स्पून चाट मसाला। इस सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। चीज़ ब्रेड रोल बनाने के लिए हम एक पीस ब्रेड को इस तरीके से पानी में डिप करेंगे। पानी में डिप करके हम उसका सारा पानी निचोड़ देंगे और उसके बीच में हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लगाएंगे और उसके बीच में इस तरह से छोटा सा होल करके हम चीज़ फिल करेंगे। चीज़ फिल करके हम इसको ध्यान से बंद करेंगे ताकि हमारा आलू या चीज़ बाहर ना आ जाए। इसको हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। आप इसको अपनी मनपसंद शेप में तैयार कर सकते हैं। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में गरम किए हुए तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। हमारे गर्मा गर्म ब्रेड रोल तैयार हैं। बहुत ही अच्छे ब्रेड रोल बने हैं। आप एक बार ये चीज़ ब्रेड रोल ज़रूर ट्राई करें। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।